शॉर्ट ऑन, शॉर्ट ऑन, तुम बताओ कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम, गुड। हाँ नहीं देखिए, ऑन लगाएंगे तो ऑन लगाने के बाद हमको देना पड़ेगा फील्ड नेम, ये अलग लिख सकते हो, शॉर्ट टू फाइल नेम, ऑन फील्ड नेम कर सकते हो, लेकिन ऑन के बाद फील्ड नेम और टू के बाद फाइल नेम, समझ रहे? हम किसके आधार पर शॉर्टिंग कर रहे हैं और किस में सेव कर रहे हैं, तो शॉर्ट ऑन फील्ड नेम है ना, रॉल पे, नेम पे, किस पे, और टू मतलब फाइल का नाम, कहाँ सेव करना है, ठीक है? बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग क्या है, हमको अगर किसी चीज को भी यूज करना हो तो क्या हम उसको ऐसा ही रैंडमली यूज करते हैं या उसको अरेंज करके रखते हैं? अरेंज करके रखते हैं, तो अरेंज किसी बेसिस पे करेंगे ना। मान लो तुम्हारे पास बुक है, ठीक है, तो बुक का कोई बुक छोटा साइज का हो, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा साइज का होगा, अगर हमको रैक पे उसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? बड़ा वाला बुक पहले कि छोटा बुक पहले? बड़ा वाला पहले, ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा बैलेंस में हमारा रैक पे बुक रहे। अगर हम छोटा वाला पहले रखेंगे और बड़ा वाला बाद में रखेंगे तो कभी भी गिर सकता है, सकता है, तो हम किसी न किसी बेसिस पे हम उसको अरेंज करते हैं सामान को, ठीक है। लेकिन जब हम डेटाबेस का बात करेंगे तो डेटाबेस में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर नंबर है तो नंबरिकल ऑर्डर में, वो ऑर्डर क्या होगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो शॉर्टिंग हमारा एक तरीका है जिससे हम डेटाबेस को हम अरेंज करते हैं, डेटाबेस को किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज आवर शॉर्टिंग। Shorting means arranging the record in a particular way. A database can be shorted to any field. A short command is used to sort a database in ascending order or descending order. Short command do not change the main database. It creates another database with the shorted record. समझो बात को, दवा के दुकान में अगर तुम मेडिसिन शॉप पे अगर तुम देखोगे तो वहां पे क्या होता है ना कि बहुत सारा दवा है, बहुत सारा दवा होता है, तो लोग क्या करते हैं रैक वाइज शॉर्टिंग कर देते हैं। ये वाला रैक में ए से शुरू होने वाला सारा दवा, इसके बगल वाले में बी से शुरू होने वाला दवा, उनका अपना स्टाइल है। मतलब एक ऐसा मैंडेटरी रूल हम नहीं बता रहे हैं कि सारा दवा का दुकान में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, किसी किसी दवा के दुकान में तुमको ऐसे अरेंज मिलेगा।
बाकी लोग याद रखते हैं कि ए वाला यहां रखे, बी वाला वहां रखे, ठीक है। तो हम किसी ना किसी तरीके से शॉर्टिंग करके रखना होगा। क्यों शॉर्टिंग करके रखना होगा? ताकि हम जब हम ढूंढे तो हमको मिल जाए आराम से, जब आराम से मिल जाए, ठीक है। हम तुम कुछ भी सोच के देखो, हम हर काम वैसे ही करते हैं शॉर्टिंग करते हैं। तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, होगा तुम ड्राइव अलग अलग बनाए होगे, नहीं ड्राइव बनाए हो तो फिर भी क्या सारा का सारा जो तुम्हारा फाइल है सब एक ही फोल्डर में स्टोर करते हो या फोल्डर अलग अलग बनाते हैं हम लोग? अगर तुम्हारे पास उस MP3 सॉन्ग्स होगा तो अलग फोल्डर सॉन्ग नाम से बनाए होगे, मूवी कुछ रखे होगे तो मूवी नाम से फोल्डर बनाए होगे, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का फोल्डर होगा। क्या सब एक साथ रख दिए क्या? नहीं रखे। तब एक साथ रखते तो क्या होता, उसी फोल्डर में ढेर सारा फाइल होता, हमको ढूंढना पड़ता। अभी हमको चाहिए सॉन्ग वाला तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉन्ग फोल्डर क्लिक करेंगे तो सारा सॉन्ग वहां मिल जाएगा, हो जाएगा। तो हम बगैर अरेंजिंग के कोई काम नहीं करते, ठीक है। तुम कहीं अगर जर्नी करने जाओगे, अपना ब्रीफकेस पैक करोगे तो उसमें भी सामान उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसे उठपटांग ढंग से सामान नहीं रख सकते। क्या हुआ? ठीक है, तो अब डेटाबेस में क्या करेंगे? डेटाबेस में शॉर्टिंग करेंगे, और शॉर्टिंग हम किसी फील्ड के वैल्यू को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब एक अब ये चीज बताओ कि एक फाइल में, एक डेटाबेस फाइल में बहुत सारा फील्ड होगा, रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, सिटी है, बैच है, बहुत सारा है। तो अगर हम रोल नंबर वाइज शॉर्टिंग करेंगे तो अभी रोल नंबर 4 ऊपर था, रोल नंबर 1 कहीं नीचे था, 2 और 3 भी था कहीं पे। तो रोल नंबर 1 को अगर हम शॉर्टिंग करके ऊपर ले आए तो अब तो रोल नंबर 4 के नाम के सामने आ जाएगा रोल नंबर 1, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कैसा होगा? मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है जी? छोटू कुमार, सी से नाम तुम्हारा, हर्षराज, एच है, सी और एच है, इसको शॉर्टिंग करना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी है, एच है, तो हमको पहले सी चाहिए, तो चाहिए शॉर्टिंग हो गया। तो शॉर्टिंग में क्या हुआ कि हम छोटू को लेके आए तो पूरा छोटू को लेके ना आए, खाली नाम लेके चले आए, शरीर से वही छोड़ दिए, पूरा छोड़ लेके आए। तो रोल नंबर 1 जब शॉर्टिंग के ऊपर आएगा तो अपने साथ उसका नाम, फादर्स नेम, बैच सब लेके आएगा, एज अ रिकॉर्ड वो शिफ्ट होगा, न कि सिर्फ रोल नंबर शॉर्टिंग हो जाएगा, पता चला कि कल तक रोल नंबर 1 जो था पीयूष कुमार था, आज केशव कुमार हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब शॉर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हम रोल नंबर के हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो रोल नंबर 1 पहले आ जाएगा, रोल नंबर जो सबसे लास्ट वाला वो 60 वो सबसे नीचे चला जाएगा। अगर रोल नंबर छोड़ देते हैं, नेम पे हम शॉर्टिंग करते हैं अभी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आकाश, अजय, अनुपम पहले आएगा, जेड वाला नीचे आएगा, जेड से किसी नाम जेबरा किसी का नाम होगा तो, ठीक है। तो हम कर सकते हैं शॉर्टिंग किसी भी फील्ड पे, डेट टाइम पे करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो अच्छा, मान लो तुम लोग का सबका डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है, ठीक है, और डेटाबेस में हम शॉर्टिंग कर दिए डेट ऑफ बर्थ से असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा जो होगा तुम लोग में उसका रिकॉर्ड पहले आएगा कि सबसे छोटा वाला आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा वाला आएगा। सबसे छोटा वाला मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी का बर्थ 1 जनवरी 2000 का है, 1/1/2000, और किसी का बर्थ 1 फरवरी 2000 है, तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? तो सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, सारा कब सारा जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, एक कमांड से सब हो जाता है, और वही कमांड याद रखना है, यही तुम्हारा म्यूट करके रखो, यही तुम कितना ही तुमको करना है, शॉर्टिंग का परिभाषा बोल दो, डिफाइन कर दो व्हाट इज शॉर्टिंग, ठीक है, और तुम उसका सिंटेक्स लिख दो, फॉक्सटूल इतना से खुश हो जाएगा,
और हम भी। अब देखो ये है सिंटैक्स, शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड, नीचे वाला सब अभी ध्यान मत दो, फिर ऊपर का एक लाइन समझते हैं। शॉर्ट टू फाइल नेम, क्या है फाइल नेम? अच्छा एक चीज बताओ, एक रजिस्टर में डेटा लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, और सब ऐसे ही रखा हुआ, रैंडम लिखा हुआ है, और हमको बोला गया कि इसको शॉर्टिंग कर दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास दो ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ये है कि रोल नंबर वन जहां लिखा था उसको मिटा दे, और रोल नंबर फोर के जगह पे उसको मिटा के रोल नंबर वन वहां शिफ्ट करें, या फिर फ्रेश रजिस्टर ले और उसको एक सिलसिलेवार शॉर्टिंग के ढंग से हम वहां दूसरा रजिस्टर क्रिएट कर दें। तो मिटा के लिखना तो संभव नहीं है, क्योंकि 60 स्टूडेंट का लिस्ट है, 60 को कैसे मिटाएंगे और कौन कहां जाएगा, संभव नहीं है। तो बेटर क्या है, एक नया रजिस्टर लिखिए, रोल नंबर वन लिखिए, रोल नंबर टू खोजिए कहाँ है, उसको रोल नंबर टू को वहां लिखिए, फिर रोल नंबर थ्री खोजिए, रोल नंबर थ्री को लिखिए, ठीक है। तो शॉर्टिंग यही काम करता है। शॉर्टिंग क्या करता है कि हम जो डेटाबेस को शॉर्ट करते हैं ना, उस डेटाबेस में किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, कोई एडिट नहीं करता, उस डेटाबेस को एज ए सैंपल यूज करता है और उसके डेटा को शॉर्ट करने के बाद नया डेटाबेस फाइल में स्टोर कर देता है, नए डेटाबेस फाइल में स्टोर कर देता है। ये वाला पॉइंट देखो, शॉर्ट कमांड डू नॉट चेंज द मेन डेटाबेस, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वाइबा में, ये पूछा जाएगा कि शॉर्ट कमांड मेन डेटाबेस में चेंज करता है कि नहीं करता है, मेन डेटाबेस में चेंज नहीं करता है, नहीं इंडेक्स भी नहीं करता है मेन डेटाबेस में चेंज, और ना ये करता है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस का एक रूल है कि जिस ऑर्डर में डेटा अराइव हुआ था सेव करते समय, वो ऑर्डर हमको प्रिजर्व करके रखना है, वो ऑर्डर हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग एडमिशन के लिए आए हो, सबको फॉर्म दिया गया भरने के लिए, ठीक है, और सबको एक रसीद काट के दिया गया था, सबके रसीद में रोल नंबर लिख दिया गया था, अब तुम जो फॉर्म फिल करके मेरे पास आएगा उसका एंट्री यहाँ करने वाले हैं, वह इसका एंट्री करने वाले हैं, और सबको दे दिए रोल नंबर लिख के, चलो फॉर्म भरो और फॉर्म लेके आओ। इसमें से रोल नंबर 10 पहला फॉर्म भरा और वो लेके मेरे पास आएगा, तो पहला रिकॉर्ड तो उसी का एंटर होगा, उसके रसीद पे, उसके रिसिप्ट पे लिखा था रोल नंबर 10, तो वो रोल नंबर 10 लिखा फॉर्म में, हम रोल नंबर 10 पहले भर दिए, ठीक है। उसके बाद आया रोल नंबर 12, तो उसका भरा, तो ये ऑर्डर जो है ना, रोल नंबर 10 उसके बाद 12 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद रोल नंबर 1, ये ऑर्डर जो था वो ऑर्डर हमको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्या करता है कि उस ऑर्डर को चेंज नहीं करता है, बल्कि सारे डेटा को शॉर्ट करने के बाद एक दूसरा फाइल बना देता है। सिंटेक्स क्या देखे हम लोग, शॉर्ट टू फाइल नेम ऑन फील्ड नेम, ठीक है। इसको अगर अलग भी लिखोगे ना, तो चेंज करके शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम काम करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रहे कि ऑन कहने का मतलब किस फील्ड पे शॉर्टिंग करना है, ठीक है। शॉर्ट ऑन रोल नंबर, शॉर्ट ऑन आईडी, शॉर्ट ऑन नेम, शॉर्ट ऑन फादर्स नेम, शॉर्ट ऑन सिटी, शॉर्ट ऑन टोटल मार्क्स कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ऑन के बाद जो भी आएगा सारा का सारा फील्ड आएगा, उस फील्ड पे शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग करने के बाद टू देके एक फाइल का नाम देना है, और उस फाइल के नाम से हमारा एक फाइल बनेगा जिसमें उस फील्ड के आधार पे शॉर्टेड डेटाबेस मिलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके। जो हम डेटाबेस जो शॉर्टिंग करने के बाद जो बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा? अच्छा, मेन डेटाबेस का डीबीएफ बैच 2 से सवाल है। मेन डेटाबेस जो हम बना रहे हैं अभी, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डीबीएफ। तो शॉर्टिंग करने के बाद भी तो डेटाबेस ही ना बनने वाला है, तो उसका एक्सटेंशन दूसरा थोड़ी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो डीबीएफ, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम
न्यूमेरिक फील्ड पे, नंबर वाले फील्ड पर शॉर्टिंग करते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? जब हम किसी अल्फाबेटिकल फील्ड पे देख लो, तुम लोग को आज म्यूट करने का परमिशन ले लेंगे, अगर तुम लोग अगर म्यूट ठीक से। अच्छा, ये कौन है? राहुल राज, ये बिग ब्रैकेट क्या लिखे हो? यूजर आईडी में बिग ब्रैकेट 46 डॉट ऐसा क्यों लिखे हो? केशव सबको बताओ कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? अच्छा ये बार, हाँ ये कह रहे थे कि नंबर वाला जो फील्ड होगा ना उसको कोई दिक्कत नहीं है, हर केस में तुमको पता रहेगा कि चार और पांच में कौन बड़ा कौन छोटा करेगा। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम कब होगा? जब हम टेक्स्ट को शॉर्ट कर रहे होंगे और उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, अपर लेटर और लोअर लेटर दोनों केस का लेटर होगा, तब प्रॉब्लम होगा शॉर्टिंग। हमको पता है कि बड़ा ए ऐसे लिखते हैं, छोटा ए ऐसे लिखते हैं, हमको पता है, ठीक है? मशीन को कैसे पता चलेगा कि दोनों ए है, दोनों का शेप अलग है, दोनों का शेप अलग है, दोनों की दोनों का एस की वैल्यू अलग है, दोनों ए एक है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारा अब मान लो हम शॉर्टिंग करते भी करके दिखाएंगे भी तुमको, समझ लो पहले। अगर मान लो लिखा हुआ आयुष कुमार, आयुष कुमार, विनोद कुमार और चंदन कुमार, ये तीन नाम है ए बी सी, इसके बाद ये तीनों कैपिटल लेटर का है, इसके बाद स्मॉल लेटर में लिखे आकाश कुमार, आकाश कुमार, स्मॉल लेटर में लिखे विनय कुमार और स्मॉल लेटर में लिखे धीरज कुमार डी। अब इसको शॉर्टिंग कर देंगे, तो शॉर्टिंग करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी पहला वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा कैपिटल लेटर शुरू होता है ए से, 65 है उसका इसकी वैल्यू, 65 to 90, ठीक है? तो 65 से कैपिटल ए शुरू हुआ और 90 पे कैपिटल जेड निपट गया। स्मॉल ए शुरू कहां से हुआ? 97 से, तो 90 से 7 बड़ा है मेरा स्मॉल लेटर, है ना? तो हम जब शॉर्टिंग करने के लिए बोलेंगे ना, तो फॉक्सवर कैसे शॉर्टिंग करेगा, एस की के आधार पर शॉर्टिंग करेगा, पहले 65 फिर 66 फिर 67, उसके बाद सबसे तब आएगा देखेगा 97, तब 98 फिर 100 डी 100, ठीक है? ये शॉर्टिंग कर देगा। तो वैसा डेटाबेस मेरे किसी काम का है क्या? हम शॉर्टिंग करना चाह रहे थे नेम वाइज, कि सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरा डेटा सेव हो और अरेंज हो जाए, ताकि हम प्रिंट आउट निकाल के कुछ उसको यूज करेंगे, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है? तब हम क्या करेंगे? अब आओ सेकंड लाइन पे, यहाँ पे बिग ब्रैकेट में लिखा गया है। देखो बिग ब्रैकेट में अगर जो लिखा रहता है वो ऑप्शनल होता है, पहले ही बताया तुमको, वो उस सेंटेक्स का पार्ट तो है लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब कि अगर वो नहीं यूज करेंगे तब भी हमारा कमांड रन करेगा, तभी हमारा कमांड रन करेगा। और अब यहां पे देखो, एक बिग ब्रैकेट के अंदर स्लैश ए स्लैश डी बीच में पाइप साइन है, पाइप साइन है, ठीक है? ये पाइप साइन क्यों है? बिग ब्रैकेट में है मतलब ए और डी ऑप्शनल है, ए भी सकते हैं नहीं भी सकते, और दोनों के बीच में पाइप साइन है, कहने का मतलब आइदर ए और डी। किसी का यहाँ पे माइक ऑन है, देखो उनको आवाज इको हो रहा है, देखो किस तरह, ठीक है? समझ में आई बात? तो हम अगर लिखते हैं स्लैश ए तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, स्लैश डी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? दोनों में से एक ही लिख सकते हैं, आइदर स्लैश ए और स्लैश डी, दोनों लिखने का मतलब नहीं है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कराना होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना होगा। उसके बाद है अलग से है बिग ब्रैकेट में स्लैश सी, ये किस लिए बताओ? इग्नोर केस के लिए, इग्नोर केस। इग्नोर केस कहने का मतलब कि अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर दीजिए, सब ए एक समान, सब बी एक समान, ठीक है? तो अगर मान लो मेरे डेटा में कैपिटल और स्मॉल लेटर का दोनों तरह का डेटा मिक्स है,
तो हम जब शॉर्टिंग करेंगे तो हमको हमेशा इग्नोर केस करके शॉर्टिंग करना पड़ेगा, तब हमारा सारा ए एक जगह, सारा बी एक जगह आएगा। अगर इग्नोर केस नहीं करेंगे तो कैपिटल लेटर पूरा खत्म हो जाएगा 90 तक, तब 97 वाला स्टार्ट होगा मेरा। बस समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तुमको? ओके, अब तीसरे लाइन पे आते हैं। फील्ड टू कॉमा है, ये भी हमारा बिग ब्रैकेट में है, ये भी हमारा बिग ब्रैकेट में है, मतलब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहां देखो डॉट 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 करने का मतलब क्या, मतलब फील्ड टू है तो फील्ड थ्री भी होगा। यहां देखो फील्ड वन है, फील्ड टू है, फील्ड टू का असेंडिंग डिसेंडिंग और इग्नोर केस, ऐसे ही फील्ड थ्री भी होगा, उसका भी असेंडिंग डिसेंडिंग इग्नोर केस, अगला फील्ड फोर भी होगा, फाइव भी होगा। ओके, अच्छा यहां बड़ा सवाल है, सोच के जवाब देना कि दो फील्ड में शॉर्टिंग कैसे होगा, दो फील्ड में शॉर्टिंग कैसे होगा। मान लो रोल नंबर पे शॉर्टिंग कर रहे हैं और नेम पे भी शॉर्टिंग कर दें, तो या तो रोल नंबर वन रोल नंबर था, उसका नाम था विनय कुमार, ठीक है, उसका नाम था विनय कुमार भी वाला। रोल नंबर टू का नाम था उमेश कुमार, रोल नंबर थ्री का नाम था पीयूष कुमार, तो हम रोल नंबर से शॉर्टिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा ना। अब कॉमा देके हम नेम भी लिख दिए हैं, तब क्या होगा, तो क्या नेम भी चेंज हो जाएगा एबीसीडी से? नहीं होगा। हाँ तो रोल नंबर कॉमा नेम लिख दिए, तब क्या होगा बताओ, रोल पे होगा। हाँ बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग दो पे कब शॉर्टिंग करते हैं, हम करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। दो पे शॉर्टिंग करने का मतलब है कि अगर मान लो हम टोटल मार्क्स पे, अच्छा नेम पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, मान के तो नेम पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो नेम पे शॉर्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या बोले उसको कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दीजिए शॉर्ट। तो फॉक्सट्रॉट क्या एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर शॉर्टिंग करेगा। दो छोटू कुमार है, पहला डेटाबेस से मिला छोटू कुमार, तो उसको सी के जगह पे लेके आया, और दूसरा छोटू कुमार मिला उसको भी सी पे जगह लेके आया, ये दो छोटू कुमार का शॉर्टिंग हो पाया? दो था ना छोटू कुमार, दो था, अगर बड़ा छोटा होता तो अरेंज कर लेते, बड़ा छोटा नहीं था, दोनों बराबर था, तो शॉर्टिंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो डेटाबेस जो पहले छोटू मिला उसको पहले लिख दिया, जो उसके बाद वाला छोटू मिला उसको बाद में एज इट इज, जैसे मेन डेटाबेस होता वैसे रख दिया। मान लो कि मेरे डेटाबेस में 5 छोटू कुमार है, तो 5ों छोटू कुमार को जब फॉक्सट्रॉट कंपेयर करेगा तो सब एक ही जैसा लगेगा उसको, तो शॉर्टिंग तो नहीं कर पाएगा, क्या बोलेगा, बोलेगा कि चारों ऐसा दिए हैं आप शॉर्टिंग करने के लिए, चारों तो एक जैसा है, कैसे शॉर्टिंग कराए, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन गिवन वाज नॉट सफिशिएंट टू शॉर्ट दिस 4 रिकॉर्ड, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है नहीं शॉर्टिंग कर पा रहे हो, नहीं ठीक है, तो उस 5ों छोटू को शॉर्ट कर दो टोटल मार्क्स के आधार पे। अब उस 5 छोटू को इसको यहां उसको यहां इसको यहां ऐसे अरेंज करता है हमको, अब कर नहीं सकते हैं, सबका वैल्यू बराबर है, अब सबका देखेंगे टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स के आधार पे सेट कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा मेरा छोटू सेट हो गया। अब आप सोचो तो उसमें से दो टोटल मार्क्स भी सेम था, तो फिर फॉक्सरो आएगा आगे, फिर पूरा गुस्सा में लाल, पहले आप नेम दिए तो नेम सबको निकल गया, डुप्लीकेट शॉर्टिंग नहीं हो पाया, फिर आके बोले तो आप टोटल मार्क्स दिए उस पर शॉर्टिंग करने गए, वहां भी तो एक जैसा निकल गया, आप कैसे करें, आप क्या करें बताओ। हाँ कहने का मतलब ये कि हमको अब एक और फील्ड देना पड़ेगा, एक और फील्ड देना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है दोनों जो एक जैसा हो गया ना, देखो तो फिजिक्स का मार्क्स किसका ज्यादा है, उसके आधार पर दोनों को शॉर्टिंग कर दो। अगर मान लो कि छोटू कुमार 5 एक ही रहता तो हमको जरूरत पड़ता है क्या टोटल मार्क्स का, तो पहला वाला जो फील्ड 1 है वो प्राइमरी शॉर्ट की है, पहला वाला जो है
प्राइमरी शॉर्ट की है, इसी शॉर्ट की पे मेरा शॉर्टिंग होगा। अगर डुप्लीकेट अगर होता है उसमें तो उसको फर्दर शॉर्ट करने के लिए सेकेंडरी की यूज होगा जो फील्ड टू है। फील्ड टू है वो कब यूज होगा? जब फील्ड वन पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो डुप्लीकेट वैल्यू है उसमें, ठीक। अगर फील्ड टू में भी डुप्लीकेट हो जाता है तो मेरा थर्ड शॉर्ट की भी रहेगा फील्ड थ्री जो आगे दिया रहेगा। अगर नहीं दिए रहोगे तो वो शॉर्ट नहीं होगा, वो डेटाबेस के क्रम के अनुसार वैसे ही रख लिया जाएगा। ऑप्शनल इसीलिए है ना कि दे तब भी ठीक, नहीं दे तब भी ठीक। हमको चाहिए कि नहीं, हमको नेम पे शॉर्टिंग कर दीजिए। अगर एक जैसा दो नेम है रखता है, साथ में रख रहे हैं तो रख दीजिए, हमको उसको मतलब नहीं है, हमको उसको फर्दर शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा मान लो कि हम तुम्हारा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ध्यान दो इधर, टोटल मार्क्स के आधार पर हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, टोटल मार्क्स के आधार पर शॉर्टिंग कर रहे हैं। कभी कभी टाई होता है ना दो नंबर, जब दो नंबर टाई होगा तो हम उसको उस किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे? जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है सब में ऐसा होता है, सब में ऐसा होता है कि मान लो टोटल मार्क्स तुम्हारा दो का 245 आ गया, एक ही को चुनना हमको, लास्ट नंबर था, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप बोलेंगे अच्छा अगर टाई हो रहा है तो देख लो कि फिजिक्स में किसका नंबर ज्यादा आया, हम प्रायोरिटी फिजिक्स को दे रहे हैं, तो जो नंबर टाई हो गया उसको फिर से शॉर्टिंग कर लिया ना फिजिक्स के आधार पे, ठीक है। बारिश हो गया, मैच खत्म हो गया, मैच यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब देखता है कि कैसे होगा, तो भाई ओवर और रन दोनों को शॉर्टिंग करके देख ले कौन कितना ओवर में कितना रन मारा, रन रेट हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ऐसे ही करके जिस चीज में शॉर्टिंग कर रहा है उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यू मिल रहा है तो आपको सेकेंडरी की यूज करना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी की में भी डुप्लीकेट हो गया, मान लो फिजिक्स में तू को लड़ गया के साथ 245 था, फिजिक्स में 75 था, अब क्या करें बताओ? तो अब हमको केमिस्ट्री का मैच देखना पड़ेगा। तो हम एक सिस्टम बना के चलेंगे, उस सिस्टम के आधार पे उसको हम निकाल के देखेंगे क्या था हुआ, ठीक है। और यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों है? ये असेंडिंग डिसेंडिंग इसलिए है कि मान लो हम लोग प्राइमरी की, सेकेंडरी की और थर्ड की, तीन की यूज कर रहे हैं, और तीनों के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग हम देते जा रहे हैं, तीनों के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग देते जा रहे हैं। मान लो किसी के लिए नहीं दिए तो यहाँ पे अगर असेंडिंग लिख देते हैं तो सबके लिए मेरा काम कर जाएगा। स्लैश ए स्लैश डी स्लैश ए स्लैश बी दे रहे हैं ना, नहीं देना पड़ेगा अगर हम कमांड में ही असेंडिंग लिख देते हैं तो, समझ आ रही बात? तो सब फील्ड में स्लैश ए स्लैश ए स्लैश ए दे रहे हो तो ना देखे हम एक बार ही असेंडिंग लिख देंगे तो वो असेंडिंग सब पे कायम हो जाएगा। या मान लो जिसके साथ स्लैश ए दिए हैं और बाकी दो के साथ नहीं दिए हैं और हम लिख दिए डिसेंडिंग, तो वो डिसेंडिंग जिसके साथ शॉर्टिंग ऑर्डर नहीं दिया गया है उस सब पे अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? नीचे वाला तो हम नहीं बताएंगे, नीचे वाला तुम बताओ क्या है ये फॉर क्लाउज और फील्ड क्लाउज क्या है? सर प्राइमरी और सेकेंडरी को एक बार बढ़िया से बता देते ना। हाँ हम करके बताएंगे, अभी हम डेटाबेस खोल के शॉर्टिंग करके बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। फॉर क्लाउज और फील्ड क्लाउज इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। मान लो कि मेरे डेटाबेस में 10 फील्ड है और हमको शॉर्टिंग में 5 फील्ड चाहिए, तो फील्ड क्लाउज लगा के 5 फील्ड का नाम देंगे वो 5 फील्ड आएगा, और उसमें से हमको सिर्फ वही वही बच्चा चाहिए था जो बीसीए में पढ़ता है, और एक डेटाबेस है जिसमें बीसीए बीएससी आईटी बीबीए सब है, तो हम सिर्फ फॉर बैच बराबर बीसीए कर देंगे तो बीसीए वाला का शॉर्टिंग होकर हमको डेटाबेस बन जाएगा, सिंपल। अच्छा अभी सवाल कौन किया था, अभी हैंड रेज करो तो, प्राइमरी और शॉर्टिंग वाला रुपेश। हाँ रुपेश देखो हम लोग कह रहे हैं ना कि प्राइमरी फील्ड पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि अभी तुम लोग का मार्क्यू दिए, हम मार्क्यू दिए या अभी जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट निकलेगा, हैंड डाउन कर लो रुपेश। हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में तुम लोग का फॉक्सर का मार्क का स्टोर करेंगे, करेंगे ना, और हमको 5 लोग को इनाम देना है, 5 लोग को इनाम देना है। और हम क्या करेंगे कि हम शॉर्ट कर देते हैं इस डेटाबेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर दिए, तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सबसे पहले आ गया ना,
एक दो तीन चार पांच, पांच को उठाएंगे हो जाएगा मेरा काम खत्म। यस और नो रुपेश? यस सर। ठीक है, अब सोचो कि चार लोग तो ठीक है, पांचवा जो था ना, पांचवा उसका टाई हो गया छठे के साथ, पांचवा छठा टाई हो गया, इक्के नंबर दोनों को आ गया। अब क्या करें, इनाम तो दोनों पांच ही को देना था, ऊपर से चार को तो सिलेक्ट कर दिए हैं, पांचवा का और छठा का टाई हो रहा है, छह को देना नहीं है, पांचवा छठा में से किसी को देना है, तो पांचवा और छठा जो टाई हो रहा है उसको फिर से किसी और तरीके से शॉर्टिंग करना पड़ेगा ना हमको, ताकि दोनों में से कौन ऊपर आता है। समझ में आ रही बात? यस सर। उसमें से भी अटेंडेंस के थ्रू कर सकते हैं सर जी, जिसका अटेंडेंस ज्यादा, हम कोई भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, पांच और छह हो गया, अब इस दोनों को सॉर्टिंग करना है, इस दोनों में से कौन पांचवें जगह का हकदार है, ठीक है, तो हम टोटल अटेंडेंस लिख देते हैं परसेंटेज, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, शॉर्ट ऑन टोटल मार्क्स कॉमा टोटल टोट मार्क्स फॉरवर्ड स्लैश डी डिसेंडिंग ऑर्डर कॉमा फिल टू की जगह पर दे देंगे टोटल अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस स्लैश ए या डी, डी जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा तो खुद ब खुद मेरा वो पांच मिल जाएगा हमको। बस यही है, सेकेंडरी की तभी काम आएगा मेरा जब प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है और वो शॉर्टिंग नहीं हो पा रही। समझ में आई बात? ओके सर। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो इधर, जिसको नहीं दिख रहा क्या खड़ा हो, डी आई आर देखो बीसीए डॉट डीबीए बीसीए वन डॉट डीबीए है ना, ठीक है चलो इसको ओपन करते हैं, यूज बीसीए वन ब्राउज, ठीक है देखो आदित्य सिन्हा ये सब नाम देख रहे हो तुम, ठीक है और यहाँ स्मॉल लेटर में भी नाम है, यहाँ स्मॉल लेटर में भी नाम है, ठीक है और यहाँ पे सिटी है, यहाँ सिटी खाली है तो कुछ कुछ भर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आरा, यहाँ लिख देते हैं क्या लिखते बताओ, बक्सर हो गया, फिजिक्स, अच्छा इतना ही रहने देते हैं, चलो कंट्रोल डब्लू। अब यहाँ पे देखो हमको सेव करना है, इसको शॉर्ट करना है, किसको शॉर्ट करना है, बीसीए वन जो खुला हुआ है इसको शॉर्टिंग करना है इसको, और किस किस पे कर दें, हम लोग नेम पे करते हैं, हम लोग का रोल नंबर तो ऑलरेडी शॉर्टेड है ही है तो हम लोग नेम पे करते हैं, ठीक है तो हम लिखते हैं शॉर्ट ऑन नेम टू, क्या लिखते हैं नाम का बताओ, क्या नाम क्या है, हर्षराज, हर्ष नाम से वो डेटाबेस साइट बनाते हैं हर्ष, ठीक है और अगर मान लो स्लैश ए और स्लैश बी नहीं देंगे तब क्या किस ऑर्डर में करेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, बन गया। अब हम लिखेंगे यूज हर्ष ब्राउज, यहां देख रहे हो आदित्य हो गया, अभित, अंकुर, अनुराग, फिर डी आ गया, फिर आर आ गया, एस आ गया, जब खत्म हो गया कैपिटल लेटर तो स्मॉल लेटर शुरू हुआ ना, यहाँ पे स्मॉल लेटर शुरू हुआ तो हमारा एक आधा ए ऊपर है और आधा ए नीचे है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमको लगता है कि सारा मतलब केस को ध्यान में न रखते हुए शॉर्टिंग किया जाए, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस आ जाओ यूज बीसीए पर, और इस बार क्या करते हैं, हम लिखते हैं शॉर्ट ऑन नेम
अच्छा ज्यादा अच्छा जो रहेगा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, शॉर्ट टू हर एक ऑन नेम स्लैश स्लैश सी ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट, अभी हम लोग बनाए थे hers.tbf बना हुआ है, ओवरराइट कर दें यस कर दिए, अब आ जाओ वापस हर्स पे, यूज हर ब्राउज, अब देखो आदित्य सिन्हा यहाँ है, आदित्य सिन्हा यहाँ है ठीक है, और अमित राज अंकुर ये सारा का सारा मेरा हो गया ना शॉटिंग, बड़ा छोटा सब मिला के शॉटिंग हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो आदित्य सिन्हा, इसको कुछ नंबर हम लोग दे दें 80 यहाँ दे दो, यहाँ दे दो 54, टोटल कितना हो गया, टोटल ऐसा करते हैं कि टोटल हम लोग अभी जोड़ते नहीं, हम सब रिप्लेस कमांड पे टोटल किया हुआ ना, 200 हो गया 200। चलो ठीक है, अब देखो क्या करना क्या है, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि दोनों आदित्य सिन्हा है ना, दोनों आदित्य सिन्हा है, और हम लोग जब पहला वाला जो डेटा भी देखे थे उसमें आदित्य सिन्हा एक नंबर पे था और ये आदित्य सिन्हा सबसे नीचे था ठीक है, मेन डेटाबेस में कैपिटल वाला आदित्य पहले था और स्मॉल वाला आदित्य नीचे था, ये दोनों आदित्य को तो एक जगह कर दिया गया लेकिन शॉर्टिंग नहीं हो पाया दोनों का, समझ रहे हो, अगर छोटा वाला पहले होता तो छोटा वाला पहले लिखा जाता, बड़ा वाला बाद में लिखा जाता, मतलब यहाँ पे इस दो आदित्य के लिए क्या हुआ है कि जिस ऑर्डर में मेन डेटाबेस में था उसी ऑर्डर में रख दिए, शॉर्टिंग इसका नहीं हो पाया, इसका शॉर्टिंग नहीं हो पाया। अच्छा अब करते हैं क्या कि हम साथ में सेकेंडरी फील्ड भी यूज करेंगे और सेकेंडरी फील्ड में कौन सा फील्ड देंगे, टोटल, टोटल देंगे और टोटल में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब 200 पहले और 175 बाद में आएगा ठीक है, तो सारा शॉर्टिंग होने के बाद अगर कोई नाम है जो एक जैसा है उसको फिर से देखो सिन्हम सिन्हम ये भी दोनों एक जैसा है, एक जैसा है और दोनों में 180 और 162 ऐसा है, आखिरी तो दे देवो तो घर में खुद म्यूट करो जी, कौन है म्यूट करिए, हेलो तो पर मोबाइल बंद कर, हमर बात पर ना समझ प्लीज स्विच, अच्छा देखो प्रेस कुमार म्यूट करिए भाई, अब इतना शिवम गुप्ता नहीं, अभी तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या, ठीक है तो यहाँ पे देखो तो हम लोग इसको अभी करके देखें इसको ठीक है, तो अभी है मेरा हर्ष, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा हम लोग उसी डेटाबेस पे कर शॉर्टिंग करते हैं, तो हम लोग वापस आ जाओ यूज बीसीए पर, लेकिन वहां तो एक मिनट यूज बीसीए ब्राउज, आदित्य सिन्हा का तो यहाँ पे नंबर नहीं है ना, पटना टोटल पे आज का कुछ नंबर दे देते हैं, हमको टोटल ही नहीं देखना था, टोटल 200 आ रहा था इसका और इसका टोटल 175, सिन्हम कुमार का टोटल कुछ दे देते हैं यहाँ पे, इसका टोटल दे देते हैं 220 ठीक है, और एक और सिन्हम कुमार था ना यहाँ था ये 162 ठीक है, तो हम जब सेकेंडरी फील्ड यूज करेंगे तो 200 वाला 20 वाला पहले जाएगा और 162 वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 200 वाला पहले जाएगा और 175 वाला नीचे आ जाएगा ठीक है, बाकी में कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो रिपीट हो रहा है उसी में ये काम होगा, समझ में आ रही बात, ओके अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टू हर ऑन नेम स्लैश सी कॉमा, क्या देना था टोटल टोटल स्लैश डी है ना, ओवरराइट यस यूज हर ब्राउज, देखो आदित्य सिन्हा छोटा वाला पहले आ गया ना, क्यों, क्योंकि हम लोग टोटल मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में किए थे, 200 पहले ले गया, 175 यहाँ पे आ गया,
सिंधम कुमारी दोनों एक साथ आया और 220 पहले 162 बाद में। अब समझ में आया सबको? क्लियर है जी सबको? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जो रिपीट करेगा सर रिकॉर्ड, उसी को सर सेकेंडरी कमांड से सर हम उसको सॉर्ट करेंगे ना? हाँ, अगर जहां पे डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, जैसे अमित राज, अमित राज सिर्फ एक ही है, तो ये तो शॉर्टिंग हो गया ना अमित राज का, इसके लिए फिर हमको टोटल मार्क्स की आवश्यकता नहीं है इसको शॉर्टिंग करने के लिए। लेकिन दो अमित राज रहता या एक से ज्यादा कितना भी रहता, तो सबको वापस फिर शॉर्टिंग कैसे करते, तो उसको किसी दूसरे फील्ड, क्योंकि ये फील्ड तो फेल हो गया, इसमें सब एक जैसा है, तो कैसे शॉर्टिंग करेंगे? समझ में आ रही बात? जैसे कहने का मतलब कि हम लोग बोले कि बुक का, हम लोग बुक के साइज के हिसाब से शॉर्टिंग करेंगे। मान लो चार बुक है तुम्हारे पास, चारों का साइज एक है, चारों का साइज एक है, तो तुमको कोई और पैरामीटर देना पड़ेगा ना, कोई और पैरामीटर देना पड़ेगा। ऐसा सब्जेक्ट जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ऊपर रखोगे, जो सबसे बोरिंग लगता है उसको नीचे रखोगे। ठीक है, तो वहां पे बुक ऑफ साइज ऑफ बुक के अलावा तुम्हारा चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है, जहां पे डुप्लीकेट आएगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे एक और पैरामीटर, जिसके आधार पे उसको शॉर्टिंग फर्दर किया जा सके। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग अटेंडेंस करेंगे, अभी तुम लोग जाना नहीं, वेट करो एक मिनट। डिलीट कमांड के साथ, शॉर्टिंग के साथ नहीं यूज करेंगे। आपका तो फंक्शन तो यूज करना पड़ेगा, हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। कमांड नहीं होता है, कैसी का? कौन कमांड का? कमांड गो, हाँ कंट्रोल एफ टू। इसे नहीं होगा, सबको हैंड रेज करना है, हम ईयरफोन नहीं लगाए तो यस सर सुनाई नहीं देगा, और तुम लोग को यस सर बोलना है रोल नंबर बोलने के बाद, अभी नहीं देखो। अब ऐसा तो मजाक ही घूम रहे, बैच वन फॉक्स रोड जी। अरे काम से काम रखो नहीं का, तुम जो जिससे तुमको काम नहीं वो का ही करना चाहते, मार्केट में जाके पता करो।
रोज दाम घटता बढ़ता है। रोल नंबर वन ऋषभ कुमार है ना? अच्छा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जब तक अटेंडेंस नहीं बनता है। अगर एक बार हम फूट क्या किसी कारण से नीचे चले जाएं वो ऊपर जाकर नहीं करें। रोल नंबर वन टू थ्री थ्री बन गया फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन पर इलेवन नहीं बना है। इलेवन तुम समय से नहीं उठाते। अब एक बार देखो लास्ट टाइम बता रहे हैं ध्यान रखो तुम लोग थोड़ा पहले उठा कर रखो। रोल नंबर 14 15 16 15 बन गया 16 17 18 19 20 20 बन गया 21 बन गया 22 23 24 25 26 20 और 21 बन गया है। डाउन कर लो हैंड अपना 29 30 29 बन गया 30 31 32 33 34 बन गया 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 बन गया 44 45 46 46 बन गया 47 48 49 50 51 52 53 54 राहुल राज तुम्हारा बन गया डाउन कर लो 54 55 56 57 58 59 60 61 नहीं बैठा हुआ है बुला जा रहा 61 बन गया 59 ही बन गया 70 71 61 सॉरी 61 कितना बोले हो 70 अभी 60 पे है अब तुम बोलो 20 तुम बोले थे 28 नहीं बोले हम पागल से बात क्या करता है ये 62 63 64 65 66 67 68 68 बन गया 69 70 71 72 23 बन गया 73 74 25 26 बन गया 27 28 29 80 81 82 यस सर 81 बन गया 82 बन गया 83 84 85 86 87 88 89 90 91
92 93। कौन बात करे, कौन देखो तो अगल बगल को बात करे, दो मिनट शांति रह सकते हो। 93 94 95 96 97 104 105 106 107 108 109 110 111 बन गया 128